हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिफ ब्लॉग। दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट आया हैगा और दोस्तों भारत की तरफ से कुछ अपडेट हैगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो में मेरे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट कर अपडेट बताया गया है कि 31 अक्टूबर से दोस्तों सऊदी अरब से इंडिया की फ़्लाइट चालू हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है, देखिए ट्वीट आ रहा होगा एयर इंडिया का, एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है, अभी कोई ऐसा ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया, ना ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट आया है दोस्तों कि अभी फ़्लाइट चालू हो रही है। तो दोस्तों, जो बैंड लगा था वो उसको हटने का भी कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है दोस्तों। तो आप लोग अभी कोई ऐसा टिकट मत खरीदिएगा कि जिससे कि आप लोग को बाद में दिक्कत हो। तो अभी सिर्फ एयर इंडिया ने ट्वीट कर बताया है कि फ़्लाइट चालू हो रही है, बाकी ऐसा कोई ऑफिशियल अकाउंट अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो सऊदी गवर्नमेंट खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करती या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी ट्वीट करती। चलिए दोस्तों, और दूसरी अपडेट आपको भारत से बताते हैं। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में 12,448 केस, 238 दिनों में दोस्तों सबसे कम केस आएंगे दोस्तों। वहीं आपको बताते चलिए दोस्तों, 25 भारत की ही तरफ से अपडेट है कि दोस्तों 25 अक्टूबर से दोस्तों नई गाइडलाइन जारी हुई है कि दोस्तों अब भारत जाने वाले विदेशियों यात्रियों को आज से क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा दोस्तों। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं दोस्तों, उन शर्तों को फॉलो करते हुए दोस्तों आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा दोस्तों। छूट सुविधा उन्हीं देश के यात्रियों को मिलेगी जिनके पास में WHO की COVID-19 वैक्सीन को लेकर भारत के साथ समझौता हुआ हो दोस्तों। अब उन्हीं को दोस्तों ये वो छूट मिलेगी जो उस दवा को आपने डोज ली होगी। और दोस्तों, जो डबल डोज ली होगा दोस्तों वो सीधे निकल सकते हैं एयरपोर्ट से, आप इंडिया जा रहे हो जिन्होंने डबल डोज ली है वो डायरेक्ट बाहर निकल सकते हो। जो दोस्तों जिन्होंने एक डोज ली है उनको वहाँ पर रुकना पड़ेगा दोस्तों, पहले आपका कोविड टेस्ट होगा वहाँ पे, कोविड टेस्ट होने के बाद में आपको 7 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा दोस्तों, होम क्वारंटाइन होगा आपको रखा जाएगा, उसके बाद ही आप निकल सकते हैं दोस्तों बाहर निकलने, इसी के बाद आप निकल सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक अपडेट और देता जाऊँ दोस्तों, चाइना में फिर से एक शहर में चीन में फिर से लौटा कोरोना का कहर दोस्तों। 40 लाख वाले शहर में लगा लॉकडाउन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए रोकने में जुटा चीन दोस्तों। ये डेल्टा वायरेंट फिर से दोस्तों फैल रहेगा, अभी तो और दिक्कत होगी रूस में और चाइना में दोस्तों, पाया गया है ये सबसे ज़्यादा। और दोस्तों, आपको एक अपडेट और बताता चलूँ, छोटी अपडेट है दोस्तों, आप माचिस तो ज़रूर यूज़ करते होंगे दोस्तों, अब इंडिया में माचिस के भी रेट 1 रुपये बढ़ रहे हैं दोस्तों, पहले कम थे, अभी दोस्तों कच्चा माल महंगा हो गया, तो उस हिसाब से देखते हुए तो अब माचिस के रेट भी अब बढ़ गए हैं। पहले जो माचिस 1 की मिलती थी, अब दोस्तों वो 2 रुपये की माचिस मिलेगी आपको। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि पहले उसमें कुछ तीलियाँ कम रहती थी, पहले 36 तीलियाँ मिलती थी, अब दोस्तों आपको 50 तीलियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।